है। बहुत से लोगों ने अभी काफी मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बड़ी पहाड़ सर को उठा दी, मुखालफत ही मुखालफत, शरीयत की मोहम्मद ही मुखालफत हो रही। अरे भाई, हर एक का अपना कल्चर है, वो अपने कल्चर के मुताबिक है। और आपने अगर कोई छूट के कोई तस्वीरें बना के उसको वायरल कर दिया, इंसान की अपनी आंखों में शर्म होनी चाहिए। देखिये, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला जब फतवाहत कर रहे थे उस जमाने में, यहूदियों ने कहा कि अपनी औरतों को सबको, इनके साथ अल्लाह की नुसरत शामिल है, इनकी अपनी औरतों को नंगा खड़ा कर दो। उस वक्त सहाबा इकराम ने क्या किया? अपनी निगाहें नीचे करो, आप अपनी निगाहें नीचे करो, दूसरों को मत बोलो, आप अपनी निगाह में शर्म पैदा करो। दूसरी बात यह सबसे बड़ी कि मैंने अपने वालिद साहब की शादी 88, मेरी वालदा का इंतकाल हुआ 88, मेरे वालिद की एज थी, मैंने उनकी शादी कराई। जबरदस्त भाई, मर्द अकेला नहीं रह सकता। जबरदस्त। और मैं वाहिद इनका दोस्त था जो शुरू से नहीं कहता था कि यार फौरन शादी करो। भाई अल्लाह पाक कुरान में फरमा रहे कि मैंने औरतों को मर्दों के लिए पैदा किया, औरतों के लिए मर्द को पैदा नहीं किया, मर्द के लिए औरत को पैदा किया, उसकी जरूरत है। और मैं आप दोस्तों को बोलना चाहता हूं कि शादियां करें, तीन तीन चार चार करें यार, एक चुप करें। पहली बात ये, बहुत से लोग बोलते हैं यार एक ही बीवी बड़ी मुसीबत करती है। अरे भाई, कोई मुसीबत नहीं करती। आज बोलते हैं पाकिस्तान में शादियां, पाकिस्तान में यार बहुत सारी ऐसी लड़कियां जिनकी शादियां नहीं, और बहुत सारी लड़कियां ऐसी जो शादी के बगैर ही मारी जा रही है, और गुर्बत बहुत फैल रही है। अरे भाई, वो निजाम यही तो है जो ये मौलवी हजरात तुम्हें बताते नहीं है। ये निजाम वही है कि चार चार शादियां करो और उनकी कफालत करो, उनकी कफालत करो। यहाँ खर्चा कितना आता है? पाकिस्तान में आपने 15,000 रुपए का, 20,000 रुपए का मकान लेके दे दिया, 25,000 रुपए आप अपनी बीवी को दो, गरीब से शादी करो, गरीब से, जिसके घर में खाने को रोटी ना हो, तो आपकी कफालत भी हो गई, वो आपके निकाह में भी आ गई। चार शादियां करोगे कितने लग जाएंगे? चार शादियों में कितने लग जाएंगे? 50,000 रुपए लग जाएंगे, 1,00,000 रुपए लग जाएंगे। नाना माइन बनते हैं, नाना माइन यार, जापान में रहते हो, हर बंदा यौन जुमान गोजुमान तो नौकरी करके कमा सकता है। तो सब दोस्तों, और आज उमामे काबा ने फतवा दे दिया है कि जो साहिब हैसियत आदमी चार शादी नहीं करेगा वो गुनहगार है। और मैं आप यकीन करें, मैं वाकई में सोच, मैंने खुद ने तीन शादियां की, मैंने दो चित्राल में किया जापान में, अभी एक और करूंगा। भाई शादियां चार होनी चाहिए। और आप जितने लोग भेजे, आप सब साहिब हैसियत हो, आप गरीब कोई नहीं हो। अगर आप जैसा गरीब अल्लाह पास दुनिया में पाकिस्तान में एक को बना दे तो पूरा पाकिस्तान अमीर हो जाए। अगर कंजूसी मत करो, एक ही बीवी के पीछे पड़े हो रातों दिन, एक घर जाके दूसरी को शादियां करो, उनकी कफालत करो है, और पाकिस्तान में गरीब लड़की से शादी करो ताकि उसकी कफालत भी हो जाए। तो मेरे दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि रईस भाई जापान का सितारा है, सितारा, और उनकी कुर्बानियां हैं, सीनियर है हमारे, ये इनकी सीनियर है हमारे, इन सीनियर की इज्जत करो, बेइज्जत मत करो, जरा जरा सी बातों को मत उछालो, कुछ नहीं होता, मर जाओगे। 50 साल 55 साल के लोग, मेरी तुम्हारी उम्र के लोग पिछले साल 25-26-50 आदमी मरे, कितने मरे नासिर साहब? 20 आदमी का इंतकाल हुआ है, तुमने भी मर जाना यार। क्यों लड़ाई झगड़े के चक्कर में लोगों की नफरत और बुक्स दिल में लिए बैठे हो? खत्म कर दो बुक्स यार, मोहब्बतें बांटो यार, और शादियां करो। मैं रईस भाई को एक शादी पे मैंने उसको बोला खुदा की कसम आज मैं तुम्हारे पास आऊंगा आज तक तुमसे मोहब्बत करता था आज नफरत हो गई तुमसे। बोला क्यों? मैंने तुम्हारी दौलत सारी जहन्नम में गई, तुम्हारी औलाद, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए अजाब बन गई। तुम बोल रहे 600 लड़कियां मेरी गर्लफ्रेंड यार, इन 600 लड़कियों में सब गरीब 15,000 रुपए तनख्वाह लेने लड़कियां हैं, ये गरीब माँ बाप की बेटियां हैं यार। अगर तुम चार लड़कियों से शादी करो, उसको अपने निकाह में ले लो, तो यार चार घर तो बन जाएंगे। मगर उसने चार लड़कियों से शादी नहीं की, एक ही बीवी से डरता रहा सारी। अरे मत डरो बीवियों से यार, जिसको जाना चाहे जिसको आना है ही यार। धन्यवाद। तो मेरी आपका, अरे यो क्यों से यो, मैं बीवी में बोलता हूँ भाई, मैं नहीं डरता, मैं तो ये बोलता हूँ कि सब चार, जो भी जापान में रह रहा, जो 4 लाख 3 लाख तनख्वाह का मारा, वो पाकिस्तान में चार चार शादियां करें। मेरी सब दोस्तों ये रिक्वेस्ट है, ठीक है जी।